जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शोएब जावेद, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो गोडलैंड के फार्म पे मौजूद हैं और हम कर रहे हैं बकरियों के जो बच्चे हैं लैम्स, उनमें वैक्सीन कर रहे हैं टॉक्सिप्रा। ये वैक्सीन जो है ना, जब बच्चों के अंदर आप देखते हैं कि रात आप फीडिंग ठीक करते हैं, रात को वो सही पिलाते हैं, सुबह को आप देखते हैं कि एक आध बच्चा जो है ना वो मर चुका है, सडन डेथ जिसे हम कहते हैं। साथ में जब आप देखते हैं कि जानवर को डायरिया लगता है, बच्चे को डायरिया लगता है, तो वो कवर नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये इस वैक्सीनेशन के अंदर ना कम्बिनेशन है मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे हंदरियों का जहर, और साथ में आप डायरिया, और इसके साथ ही सडन डेथ वो भी है, और क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन जो होती हैं उस पर भी काम करती है। और ये वाहिद वैक्सीन है जो कि ये एक तो स्पेन से इम्पोर्ट है, इम्पोर्टेड वैक्सीन है, और हिल्टन फार्मा जो है इसको कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और इसके साथ ही बच्चों के अंदर जो इसकी डोज है ना वो 1 ml है, और जो बड़ी बकरियां हैं उनके अंदर 2 ml है। और ये वाहिद वैक्सीन है जो कि बच्चों के अंदर, एक दिन का बच्चा भी है उसके अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरी वैक्सीनेशन होती है ना, वो 4 से 6 माह का ड्यूरेशन जब हो जाता है बच्चा 4 से 6 माह का, उस वक्त वैक्सीनेशन होती है। ये वाहिद वैक्सीन है जो आप एक दिन के बच्चे को भी कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जानवर आपके बच्चे जो है ना वो धड़ाधड़ मर रहे हैं, या फिर शाम को ठीक थे, फीडिंग ठीक करवाई, और सुबह को आपके एक आध बच्चा जो है ना वो मरा पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर आप ये वैक्सीनेशन आप अपने जानवरों के अंदर इस्तेमाल करें तो आपको एक अच्छे रिज़ल्ट भी मिल जाएंगे। और दूसरा, ये जो वैक्सीन है ये गोटलैंड फार्म लाला मूसा, वहाँ पर ये आपको मिल भी जाएगी। इसकी जो पैकिंग है वो 100 ml की पैकिंग है, बच्चों के अंदर ये 100 बच्चे जो है ना उनको लग सकती है। अगर आपके पास बकरियाँ हैं तो उनके अंदर 50 बकरियों के लिए ये 1 vial काफ़ी है। और इसके साथ ही अगर आपके जानवर जो हैं वो गब्बन है, प्रेग्नेंट है, तो आप अगर उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों के अंदर आगे इम्यूनिटी आ जाएगी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी उनके अंदर। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होगा, एंटीबॉडीज़ बच्चे के अंदर मुंतकिल हो जाएंगी, तो उसके साथ ही जब बच्चा आएगा ना, जब बच्चा पैदा होगा, तो उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही अगर आप जो है ना बच्चों के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बाद में भी अपनी सेफ्टी के लिए, तो आप बच्चों के अंदर इस्तेमाल कर लें, 1 हफ्ते का होता है या 1 दिन का है। अगर आप 1 दिन पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 दिन पे कर लें, अगर 1 हफ्ते का है तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 माह से नीचे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 3 माह के बाद आप 6 माह पर लगाना चाहते हैं तो 6 माह पर भी लग सकती है ये। और इसका जो ड्यूरेशन है ना वो 1 साल है, यानी कि साल के बाद आप इसको रिपीट करेंगे। अगर आप, हम आज जी 1 तारीख है अप्रैल की, तो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बच्चों के अंदर ये जो बच्चे आएंगे आगे हमारे बड़े होके, तो हम अगले साल अप्रैल के अंदर इनको ये वैक्सीनेशन जो है ना वो इनके अंदर इंजेक्ट करेंगे। और जो बकरियां हैं, आप हर फार्म का क्राइटेरिया मुख्तलिफ होता है, और हर फार्म पे मुख्तलिफ महीनों के अंदर मुख्तलिफ वैक्सीनेशन होती है। हम बकरियों, जो बड़ी बकरियाँ हैं उनके अंदर हम 15 फरवरी से 15 मार्च के दरमियान कर लेंगे, और जो बच्चे हैं ये आगे जब बड़े हो गए आएंगे अगले साल, तो हम इनको 1 अप्रैल को ही करेंगे आगे, तो इनका डाटा सारा हम सेव कर लेंगे और ऐसे ही हम आगे लगा लें। अगर आपको ये वैक्सीन जो है ना, अगर आपको चाहिए, आपने इस्तेमाल करनी है, तो आपको गोटलैंड के प्लेटफार्म से मिल सकती है, और इसकी जो प्राइस है वो 8,000 रुपये है, 8,000 की वायल है, 100 बच्चों में इस्तेमाल होगी जो जिनकी उम्र 3 माह से कम है, और जो बड़ी बकरी हैं उनके अंदर 2 ml ये सब कट लगानी है आपने, जिल्द खींच के आपने लगानी है, और ये 50 बकरियों के अंदर ये इस्तेमाल हो जाएगी। तो अगर आप पहले लगाना चाह रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो आपकी जो है ना आपके पैसे कम लगेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी जो है ना वो बच्चों के अंदर डेवलप हो चुकी है। तो आज तक लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, 5 बजे माँ का कीजिएगा अल्लाह।